हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंग्लिश सब्जेक्ट जो आपका है फिफ्थ सेमेस्टर का, उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर ओवरव्यू के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीए ऑनर्स कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट बीए प्रोग्राम में है। अब यही सेम जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो कि फोर्थ सेमेस्टर में भी है और फिफ्थ सेमेस्टर में भी है। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप इसे देख सकते हैं, आपको इस सब्जेक्ट को चॉइस करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जेनरिक इलेक्टिव बेस्ट सेलर एंड जेनरियो फिक्शन, ये आपके बुक का नाम है। उसके बाद बात करें हम, मैं जरा इसे क्लीन कर देता हूँ कि आपको चैप्टर्स में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक के नाम की। तो आपको जो बुक का नाम है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है बेस्ट सेलर एंड जेनरी फिक्शन। इसका मतलब है कि वो बुक्स जो कि बहुत ज्यादा सेल की गई है, जो कि बहुत ज्यादा बिकी है। ठीक है, हर बुक को बेस्ट सेलर का उपाधि नहीं दी जाती है, ठीक है, बट जो बुक बिकती है ज्यादा उसे बेस्ट सेलर की उपाधि दी जाती है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण दूं तो स्टीव जॉब्स की जो बायोग्राफी है वो एक बेस्ट सेलर है। ठीक है, महात्मा गांधी के ऊपर लिखी गई बुक भी एक बेस्ट सेलर है, क्योंकि इन बुक्स को कई लोगों ने पढ़ा है, कई ज्यादा हद तक ये बुक बिकी है, इसीलिए इन्हें बेस्ट सेलर का उपाधि दी जाती है। ठीक है, एंड जेनरियो फिक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे पहले चीज की, तो आपको बुक में पढ़ना क्या क्या है। टोटल आपके पास 1 से 4 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, 1 से 4 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 1 में आपको देखना है, यूनिट 1 जो है आपकी, उसमें आपको पढ़ना है स्टोरी। अराउंड इस बुक में आपको हर चैप्टर में स्टोरीज पढ़ने को ही मिलेगी। पहली जो स्टोरी है आपकी वो है द ब्लू अम्ब्रेला, रुस्किन बॉन्ड। ठीक है, रुस्किन बॉन्ड वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स में से एक है। मतलब कह सकते हैं कि एक राइटर है जिनकी बुक की सीरीज है रुस्किन बॉन्ड। रुस्किन बॉन्ड से नाम से कई सारी बुक्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। ठीक है, मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको इसका एक बुक पढ़ना है, उसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, ब्लू अम्ब्रेला आपको स्टडी करना है, रुस्किन बॉन्ड के द्वारा है, रुस्किन बॉन्ड की सीरीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद आती है चैप्टर नंबर, सॉरी यूनिट नंबर 2। आपका यूनिट नंबर 2 आता है। यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है द इमोर्टल्स ऑफ मिलुहुआ। ठीक है, अमीश त्रिपाठी, द इमोर्टल ऑफ मिलुहुआ, अमीश त्रिपाठी। आपको यहाँ पे एक स्टोरी पढ़ाई जाएगी इमोर्टल्स के बारे में, ऑफ मिलुहुआ, जो कि इमोर्टल का यहाँ से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति या फिर वह चीज जो मर नहीं सकती। ठीक है, उसे इमोर्टल कहा जाता है। मॉर्टल मतलब मर, मतलब वो अमर नहीं है, पर इमोर्टल है मतलब वो अमर है। ठीक है, अमीश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है और इस चैप्टर को लिखा जिसने है वो है आकांक्षा गोस्वामी। उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी, अलेक्जेंडर मैकॉल स्मिथ। ठीक है, तो आपको इस यूनिट 3 में आपको एक स्टोरी पढ़नी है द नंबर 1 लेडीज डिटेक्टिव एजेंसी के बारे में। मतलब एक ऐसी एजेंसी जो कि नंबर 1 है, किसके बारे में, लेडीजों के बारे में, वो लेडीजों की जासूसी करने में नंबर 1 एजेंसी है, उसके बारे में आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है, जो कि लिखी गई है अलेक्जेंडर एमसी कॉल स्मिथ के द्वारा। अब यहाँ पे आपको 2 पार्ट दिए गए, पहले पार्ट में आपको स्टडी गाइड दिया गया है और दूसरे पार्ट में क्रिटिकल एनालाइज दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरे चैप्टर का कंटेंट नहीं मिलेगा, मतलब जो ये जो अगर ओरिजिनल में इसकी कोई बुक है बेस्ट सेलर, तो इसका आपको कोई ओरिजिनल नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको उस बुक में से मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालाइज, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यूनिट नंबर 4, जिसमें आपको पढ़ना है पेपर टाउन्स जॉन ग्रीन के द्वारा लिखी गई है पेपर टाउन्स। ठीक है, ये भी एक स्टोरी ही है जिसके अंदर आपको टाउन्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की वीडियो चैप्टर ओवरव्यूज के बारे में।
आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर वीडियोज की नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट जितना भी मटेरियल है वो सब मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। और अब से इस वीडियो, अब से जितने भी मैं नोट्स बनाऊंगा वो सब मैं टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड करूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।